यह हम आपको बता दें कि सावन के महीने में शिव भक्त शिव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का पौराणिक इतिहास है। तमाम ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, और उसी त्रेता युग से जुड़े हुए हम मंदिर की बात कर रहे हैं बुद्धेश्वर की। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। शिव के अनेकों मंदिरों के अलग अलग महत्व हैं। बात करें लखनऊ की तो यहाँ भी कई शिव मंदिर हैं, लेकिन मोहाना रोड पर स्थित बुद्धेश्वर मंदिर का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को लक्ष्मण ने त्रेता युग में बनवाया था, और यहाँ सोमवार को पूजा न होकर बुधवार को पूजा की जाती है। इसी वजह से इस मंदिर का नाम बुद्धेश्वर मंदिर पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण माता सीता को वन छोड़ने जा रहे थे। तब उन्हें माता सीता की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। तब बुद्धेश्वर के रूप में भगवान महादेव ने लक्ष्मण को दर्शन देकर सद्बुद्धि दी और कहा कि सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाकर छोड़ दें। तब माता सीता और लक्ष्मण ने बुद्धेश्वर महादेव की पूजा की। मान्यता है कि जिस दिन यह घटना हुई थी वह बुधवार का दिन था, तभी से बुद्धेश्वर महादेव की पूजा की प्रथा प्रचलित है। ऐसा है, जब रामचंद्र जी जो है लंका से जीत के आए तो लोगों ने ताना मारा, कहते कि असली क्षत्रिय बनते हो। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि आप असली क्षत्रिय बनते हैं तो पत्नी दूसरे के घर में रह के आई है, उसका प्रत्याग करो। उस समय जो है रामचंद्र जी को जो है वैराग्य हो जाता है। अनुज भाई लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि माँ सीता को जो है घने जंगल में छोड़ाओ। उस समय माँ सीता जो है गर्भवती थी। जब यहाँ पहुँचे तो दिन मंगलवार था। ये जो लखनऊ है ये लक्ष्मणपुर नगरी के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण लोग जो है आज भी संकल्प में इसको जो है लक्ष्मणपुर नगरी ही बोलते हैं। मोहम्मदों का राज हुआ तो वो बढ़ा दिया तो लखनऊ हो गया। जब यहाँ पहुँचे थे दिन मंगलवार था। लक्ष्मण जी सीता जी बिलापग्रस्त कि आखिरकार माँ समान भाभी को कहाँ छोड़ा जाए। तो बुधवार वाले दिन जो है सुबह भोलेनाथ ने जो है माँ सीता और लक्ष्मण जी को दर्शन देगी। आगे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जो कि आपका परिहर बिठूर में पड़ता है, वहाँ माँ सीता के लिए जो है सुरक्षित स्थान है। आलवड़ में चले जाइए, शंकर जी की महिमा सोमवार को मानी जाती है, लेकिन अपने राजधानी में एक ऐसा यही मंदिर जिसकी मान्यता जो है बुधवार को है। बुधवार जो है माँ सीता जी और लक्ष्मण जी को जो है भोलेनाथ ने दर्शन दिया है, इसलिए इसका जो है नाम बुद्धेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ हर तरीके का भक्त आता है, हर मान्यताओं से आता है और श्रद्धा भावना लेके आता है, और अधिकतर सभी की इच्छाएं मान्यताएं पूरी होती हैं यहाँ। और ये बहुत समय का पुराना मंदिर है जो कि हम खुद नहीं बता सकते हैं, 5-35 साल के हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत पुराना मंदिर है, हम लोगों के बचपने से बहुत पहले का है। अरे बुद्धेश्वर मंदिर में यहाँ पर मान्यता इनकी बहुत है, ये सब शरीर से सब कायों से सब संतुष्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ जब भी कोई अपनी बुद्धि खो बैठा हो और उसकी सद्बुद्धि खो गई हो, बुद्धि से काम नहीं ले पा रहा हो या उसको कोई समस्या है, तो एक बार अगर यहाँ पर बुद्धेश्वर मंदिर भगवान शिव के दर्शन कर पूजा करे तो ज़रूर उसके सारे काम बनते हैं। सत्येंद्र शर्मा, ETV भारत।